अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सी बुक है हमारे पास आज? हसन की गली। हसन की गली। इस बुक को पढ़ने की इजाज़त दी है बुक ग्रुप ने। बुक ग्रुप ने अंग्रेज़ी और उर्दू में बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। शुरू करें। यस। हसन की गली। गली क्या होता है? गली स्ट्रीट। हाँ, स्ट्रीट में घर होते हैं, कोई दुकान हो सकती है। इस गली में रहता है हसन। चलो देखते हैं उसकी क्या कहानी है। स्कूल की छुट्टी होते ही हसन और उस्मान खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। ये दो दोस्त घर आ रहे हैं। ये कैसी गली है नूर? इस गली में कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं बच्चे भाग रहे हैं, अपनी किताबें फेंक रहे हैं, कहीं कोई कागज़ फेंकता है। एक तरफ लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, उधर भी लोग चीज़ें फेंक रहे हैं। लोगों ने अपने कपड़े बाहर तारे डाल के लटकाई हुई है, कोई पतंग उड़ा रहा है। बिजी स्ट्रीट है ना, काफ़ी लोग मसरूफ़ हैं इधर। घर की गली में मुड़े ही थे कि खिड़की से किसी ने कूड़ा फेंका, सारा का सारा उन पर आ गिरा। ये देखो, ये दोनों दोस्त हसन और उस्मान जब गुजर रहे थे, किसी ने बगैर देखे गली में कड़प सारा ट्रैश फेंक दिया और ये इन दोनों पे गिरा। गुस्सा चढ़ गया उन्हें, दोनों गंद में अट गए। उनको गुस्सा तो बहुत आया, मगर करते भी क्या, कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गए। ऐसे ऐसे कपड़े कर रहे हूँ कूड़ा उतारने के लिए। घर पहुँचते ही नहाए धोए, खाना खाया और कुछ देर आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर गली में खेलने पहुँच गए। दूसरे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। ये क्या खेल रहे हैं? इस गेम को हम क्या कहते हैं? क्रिकेट। वो बॉल, एक तरफ से एक दोस्त बॉल कराएगा और दूसरा बैटिंग करेगा। उस्मान ने बैटिंग शुरू की। हर चौके और छक्के पर खूब शोर मचा। हसन ने गेंद पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो कीचड़ में फिसलकर नाले में जा गिरा। बेचारा हसन, वो लंगड़ाता हुआ उस्मान को पकड़े घर चला गया। दूसरे दिन छुट्टी थी, सब दोस्त मिलकर चिड़ियाघर की सैर को गए, मगर हसन चुपचाप बिस्तर पर लेटा था। उसके लिए टांग हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेटे लेटे सोचने लगा, सब दोस्त चिड़ियाघर में कितना मजा कर रहे होंगे। कोई हाथी पर बैठा होगा, कोई ज़ेब्रा और जराफे को देखकर खुश हो रहा होगा। उस्मान तो तोते के पिंजरे के पास ही बैठ गया होगा, उसे रंगीन तोते बहुत अच्छे लगते हैं। हसन क्यों नहीं गया था नूर? कि उसकी टांग पे चोट लग गई थी। उसकी गली में जो कीचड़ और गंद का ढेर था उस पर वो फिसला और नाले में जा गिरा था और उसकी टांग पे चोट थी। और वो स्कूल में अपनी स्कूल ट्रिप पे नहीं गया था। पलंग के साथ मेज़ पर रंगों का डब्बा रखा। हसन ने उसे उठा लिया और बड़े से कागज़ पर तरह तरह के रंगों से तस्वीर बनाने लगा। ये तस्वीर उसकी गली की थी, साफ सुथरी उजली सी हसन की गली। क्या असल में हसन की गली ऐसी थी जैसे उसने तस्वीर में बनाई है? नहीं, ये तो वो चाहता था कि उसकी गली ऐसी हो जाए, साफ हो। लेकिन उसकी गली में क्या मसला था, क्या खराबी थी? बहुत गंदी थी, क्योंकि सब लोग अपने घर में से कूड़ा जमा करके बाहर गली में फेंक देते थे। क्या ये अच्छी आदत है? अच्छी आदत नहीं है। हमें अपना घर का जो ट्रैश या गार्बेज या कूड़ा करकट जमा करके बाहर गली में इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि आपकी गली भी आपके घर का ही हिस्सा है। आप ही उसमें गुजरते हो, रहते हो, सब उसको इस्तेमाल करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि उसको मिलकर साफ रखे। घर में अगर आप घर से कूड़ा बाहर गली में फेंक दोगे तो उसका क्या नुकसान होगा?
एक तो वो देखने में बुरा लगेगा, कूड़े के ऊपर मक्खियाँ मच्छर आएंगे जो बहुत सारी बीमारियाँ लेके आएंगे। अगर बारिश होगी तो वो कूड़ा मज़ीद गीला और गंद में इजाफा करेगा। और क्या क्या उसकी गली में ख़राबी थी? मेरे ख्याल में उसकी गली में पडल्स भी बने हुए थे बहुत सारे, जिनको पडल्स का मतलब होता है कि उसकी गली में पानी जमा हो जाता था, खड्डे थे, उनको भी भरना चाहिए, उनके उनके ऊपर मिट्टी डाल के उनको पक्का कर दें। अगर कोई गटर है जिसके ऊपर ढक्का नहीं है उस पे आप उसको भी सील कर दें, ठीक है? अपनी गली का सब खुद ख्याल रखेंगे, ठीक? ठीक। तो क्या फ़ायदा होगा? की गली साफ होगी। हाँ, गली साफ होगी, किसी को चोट नहीं लगेगी, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को उधर से बदबू नहीं आएगी, किसी को देखने में बुरी नहीं लगेगी, ठीक है? ठीक है। चलो, सब अब सफाई का ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे। फॉर मोर एक्साइटिंग स्टोरीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं।